हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 का पार्ट 4। इसमें हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर फोर देखने वाले, ठीक है। कि आपने पार्ट 3 कंप्लीट देख लिया होगा, पार्ट 2 भी देख लिया होगा, पार्ट 1 भी देख लिया होगा। तीनों पार्ट आपके लिए आ चुके हैं, उसके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और प्ले लिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है। जाकर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। बाकी अब देखते हैं पार्ट 4 और उसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका क्या कह रहे। देखो यहाँ पर 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी, यहाँ पर आपको कुछ एपी दे रखा है, उसमें कितने पद हैं, मतलब पद मीन्स आपको एंड निकालना है। यहाँ पर आपको बता दें पद मीन्स आपको एन फाइंड करना है। क्या दिया आपको 636 योग, मीन्स आपको एस एन दे रखा है कितना 636, और आपको ए पी दे रखा है। यहाँ पर ए पी क्या है आपका 917.25, ठीक है, 917.25 दे रखा है। और यहाँ से आपको निकाल लेना है ए डी का मान, ठीक है। आता है ना आपको 5.11 में सीख रखा है, तो ए का मान क्या आपका आ जाएगा यहाँ पर 9 आ गया, और यहाँ से डी का मान कितना आ गया आपका 17 माइनस में 9 कितना आ गया 8 आ चुका है। डी का मान आपका 8 आ चुका है, ए का मान आपका 9 आ चुका है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एस एन का फॉर्मूला लगाओ। एन तो आपको निकालना है, यहाँ पर एन आपको नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एन बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में एन माइनस 1d, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, फॉर्मूला बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आपको एस एन कितना दिया आपको 636 दीर्घ है, रख दो यहाँ पर इस गोल्ड में एन बाय 2 ब्रैकेट में एन का मान हमें नहीं पता, एन का मान तो निकालना है, ठीक है। 2 इंटू में ए का मान कितना आपको देखा 9 देखा, तो 9 यहाँ पर रख दो, प्लस में एन का मान हमें नहीं पता, तो एन एज इट इज आपको देगा एन माइनस 1। डी का मान कितना दिया आपको 8, तो 8 यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। इस तरीके से रख दिया, अब 2 बटे में उसको उस तरफ मल्टीप्लाई भेज दो, 636 गुणा में 2 बराबर में एन ब्रैकेट बंद 9 18 प्लस में एन माइनस 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 एन माइनस में 8, एक बार एन से करेंगे एक बार 1 से करेंगे, कर दिया हमने, ओके। यहाँ पर आपका आ जाएगा 1272 गुणा कर दो, 3 2 6 6 2 12 + 1 3 2 6 7 हो जाएगा, और 6 2 12, तो 1272 आपका यहाँ पर आ चुका है। इस ग्रुप में एन ब्रैकेट में 10 + 18 माइनस में 8 कितना हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा, 18 माइनस में 8 कितना होता है 10 ही होता है, तो 10 यहाँ पर आप लिख दोगे इस तरीके से, प्लस में 8 एन। यहाँ पर सिंपल आपको घटाना था, ठीक है, जो कट रहा था उसको काटना था, मतलब ठीक है। तो 1272 आपने यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से इस कोट में। अब आपको n अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो यानी n यहाँ पर हो गया 10n प्लस में यहाँ पर आपको हो जाएगा 8n² ओके भैया, कर दिया। अब इसको कर दो सीधा मीन्स इसको दे इसको दे दो, ताकि आपको देखने में अच्छा लगे, ठीक है। और इसलिए करते हैं प्लस में 8n² इस कोट में 1272 लिख दिया। अभी इधर प्लस का इसको उस तरफ ला दो, माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं करा, इसको सीधा करा, ठीक है। इस वाले पार्ट को यहाँ पर लिख दिया, इस वाले पार्ट को यहाँ पर लिख दिया, सिंपल सा, ठीक है, ताकि आपको सोल्व करने में आसानी रहे। बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि भैया यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए कर दिया। बाकी यहाँ पर देखो 8n² यहाँ पर आपने लिख दिया, प्लस में 10n, और यहाँ पर प्लस का 1272 है, इसको इक्वल किस तरफ ला दो। इक्वल किस तरफ लाते ही साइन आपका चेंज हो जाएगा, तो साइन आपका हो गया 1272, अभी कैसा माइनस का, इसकोट में 0, ठीक है, इसकोट में 0 आपका यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखो दो तरीका इसको सोल्व करने का है, या फिर इसको काट के छोटा कर लो, या फिर ऐसे सोल्व कर लो। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले छोटा कर लेते हैं, ताकि थोड़ा हमारा एलसीएम करना, थोड़ा भाग करना थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, छोटा करते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 से भाग करने पर, 2 से भाग हो रहा है सब जगह, हाँ हो रहा है भैया, ठीक है, 2 से भाग कर देते हैं, तो 2 से भाग कर दो। यहाँ पर आपको बन गया 4n² प्लस में यहाँ पर आपको बन गया 5n माइनस में यहाँ पर आपका बन गया 636, और इसको में कितना क्या आपका 0 आ गया, हो गया। अब इसको करना है आपको गुणनखंड करना सीखा है ना, फैक्टराइज, तो वही आपको करना है यहाँ पर, कर दो सिंपल है, जो आपने चैप्टर 2 में सीख रखा है, ठीक है। 4n² प्लस में 5n माइनस में 636। अब आपको जो 4n है इसको से मल्टीप्लाई करना है, देन उसका एलसीएम लेना है। तो 4 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 636 से, कितना आ गया भैया 624, 4 से 2 हो गया, 4 3 12 2 14 4 8 1 हो गया, और 624 से 25, यानी 2544 आपका आ चुका है। अब 2544 का आपको करना है एलसीएम लेना है, करो एलसीएम फटाफट जल्दी से, 2544 का एलसीएम कर दो, कितना आ गया, करते हैं 5 फॉरवर्ड, ठीक है। तो आपका भाग करने पर, मतलब एलसीएम करने पर आपका ये आ चुका है, तो एलसीएम करने पर आपका ये आ चुका है कितना आ गया फैक्टर। अब इसको कुछ आपको इस तरीके से अरेंज करना है दो नंबर में, ताकि आपका उसको प्लस माइनस करने पर आपका 5n आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने बाद आपका ऑब्वियसली आपका 636 × 4 आना चाहिए, यानी कि 2544 आपका आना चाहिए, समझने के बाद यहाँ तक करते हैं। 3 2 6 6 2 12 12 2 24 24 2 48, तो यहाँ पर आपका बन चुका है 48, और 48 53 में से माइनस करो 48 कितना आ रहा है आपका, तो यहाँ पर आपका 5 आ रहा है, कर दो सही है। तो दो हमने नंबर चूज कर लिया, मतलब पहला नंबर आपका 53 और दूसरा नंबर आपका 48। अब इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है जिससे आपका आंसर प्लस का 5n आ जाए बीच में। तो करते हैं फिर यहाँ पर 4n² प्लस में पहले लिखेंगे 53n, तो लिख दो यहाँ पर भाई 53n
माइनस में 48 एन, माइनस में 636। देखो माइनस करने पर कितना आ रहा है आपका, 5n आ रहा है ना, आ रहा है भैया, ठीक है। गुणा करने पर कितना आना चाहिए आपको, 2544। गुणा करने पर 2544 आपको आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, दो दो उठा रहे हैं, तो ये दो उठा लिया आपने और इन दोनों को उठा लिया। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है। अब यहाँ पर आप देखो एक चीज़ की, 4n² यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर 4 है पर यहाँ पर 4 नहीं है, इसका मतलब 4 आपका कॉमन आने वाला नहीं है, ठीक है। n यहाँ पर भी है, n यहाँ पर भी है, तो n को आप बाहर निकाल लो खींच कर, ठीक है। तो n आपने बाहर निकाल लिया और यहाँ पर कितना बच गया आपका, 4 बच गया और n आपका एज इट इज रह गया। प्लस में यहाँ पर कितना बच गया आपका, 53 यानी 53, ठीक है, रख दो यहाँ पर। अब यहाँ पर कॉमन लेते हैं, तो माइनस यहाँ पर भी, माइनस यहाँ पर भी, तो माइनस को बाहर निकाल लो भाई जल्दी से, ठीक है। अब आपको इन दोनों में कॉमन लेना है, क्या कॉमन आ रहा है देखो। अब देखो आप कॉमन लेने का ट्रिक बता दो क्या, अगर कॉमन लेने का आपको एक ट्रिक बता दो कैसे। यहाँ पर कितना आपको 36 दे रखा है और यहाँ पर आपको कितना है 2544, तो 2544 क्या था आपका, कैसे आया था आपका, जब हमने 4 को 636 से उड़ा कराया था तब आपको कितना आया था, 2544 आया था, और 2544 का एलसीएम करके हमने वाला फैक्टर निकाला है। तो आपको एक चीज़ याद रखना कि 636 आपको चाहिए यहाँ पर, 36 के आपको यहाँ पर 4 हटा देना है, यानी 4 आपको हटा देते हैं यहाँ से, हटा दिया भैया, ठीक है। 4 हटाने के बाद आपको कितना बचना है यहाँ पर, 2 × 4 = 12, सिंपल। यहाँ पर कितना आ गया आपका नंबर 12, 53 को छोड़ के कितना बच रहा है, 12, 53 तो हमने यहाँ पर ले लिया ना, कितना बचा फिर, 12 बच गया, तो 12 आपको लेना है यहाँ पर, इसका मतलब आपको 12 कॉमन लेना है, सिंपल सा आ चुका है, देखो सिंपल सी ट्रिक है। तो 12 को कॉमन लेना है, तो 12 कॉमन ले लो बाहर, ले लिया, यहाँ पर कितना बच गया, 12 × 4 = 48 एंड आपका बच चुका है, ठीक है। अब 12 को भाग कर दो, 636 को 12 से भाग कर दो, कितना आ रहा है आपका, 53 आपका आ जाएगा 53, और यहाँ पर आपका आ गया 53, और माइनस हमने 12 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा आपको यहाँ पर, प्लस का बच गया, तो प्लस का 53 आपका आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर और यहाँ पर आपका सेम आना चाहिए और सेम आ भी चुका है, ठीक है। यानी बात है, याद रखना जो बताया था आपको, ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं तो आप मल्टीप्लाई करने बैठोगे, क्या चीज़ कॉमन आ रहा है भैया, क्या चीज़ कॉमन नहीं आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा आपके लिए। 4n प्लस में 53 इक्वल टू में 4n प्लस में 53 ब्रैकेट में n माइनस में 12 लिख दिया हमने, यहाँ भी 4n प्लस 53 था, यहाँ भी 4n प्लस 53 था, तो 4n प्लस 53 को आप कॉमन लेके बाहर कर दो और यहाँ पर आपको बन गया, बच गया n माइनस में 12। अब दोनों को कर दो इक्वल टू जीरो, एक बार इसको कर दो इक्वल टू जीरो, एक बार कर दो इसको इक्वल टू जीरो, ठीक है, करो जल्दी से। तो 4n प्लस में 53 इक्वल टू में जीरो और n माइनस 12 इक्वल टू में जीरो, तो 4n प्लस में 53 माइनस कर देगा उधर जाके, n बराबर में 53 माइनस का अपॉन में 4, कितना आ गया आपका यहाँ पर आंसर, n इक्वल टू में माइनस का 53/4 आ गया, और यहाँ पर कितना आ रहा है आपका, n का मान 12 आ चुका है। तो जो भी नेगेटिव होता है, नेगेटिव तो लेते नहीं है क्योंकि n कभी भी नेगेटिव नहीं होता, n इज ऑलवेज पॉजिटिव, बताया था आपको मैंने, ठीक है। n आपका प्राकृतिक संख्या होता है, तो जो भी आपको नेगेटिव वाला आ रहा है उसको काट दो, मतलब वाला नहीं ले रहा आपको, और पॉजिटिव आपको लेना है, यानी कि इसमें कितने पद टोटल है, 12 पद दिए हुए हैं, लिख देना, ठीक है, 12 पद दिए हुए, ठीक है। इस तरीके से आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, तो आप देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया है कि एपी का प्रथम पद 5 दे रखा है और अंतिम पद आपको दिया है कितना, 45 दे रखा है, ठीक है, और आपको योग दिया है यानी कि आपको एसएम दे रखा है कितना, 400। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसका मतलब आपको एन निकालना है और आपको निकालना है सार्व अंतर यानी डी आपको ज्ञात करना है, दो टर्म आपको निकालने हैं, देखो यहाँ पर आपको एन फाइंड करना है और दूसरा आपको डी फाइंड करना है, ये लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्या चीज़ आपको दिया हुआ है, क्या चीज़ आपको फाइंड करना है, उससे आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी बन जाता है। और आपको ए का मान दिया हुआ कितना, 5 दे रखा है और ई एन का मान दे रखा है कितना, 45, अंतिम पद मीन्स ए एन आपको दे रखा है, ठीक है, 45, और आपको एस एन भी दिया हुआ है, यहाँ पर योग लिखा ना, इसका मतलब आपको एस एन भी दे रखा है कितना, 400, लिख दो यहाँ पर, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर एस एन को खोलना है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, यहाँ पर हम एस एन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें हमारा डी नहीं आता, वहाँ से पहले आपको एन निकालना है, उसके बाद ए एन का हेल्प करके एन के हेल्प से आपको डी निकालना है, ठीक है। पहले आपको एन ज्ञात करना है, उसके बाद आपको फिर डी निकालना है, तो करते हैं पहले एन निकालने के लिए, तो यहाँ पर आपको यूज करना है एन बाय टू ब्रैकेट में ए प्लस में एन एन वाला, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला क्यों यूज करा भैया, क्योंकि यहाँ पर आपको एस एन भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, एन भी दे रखा है, आपको एक टर्म जो है अननोन है, ठीक है, वो आपको फाइंड करना है, तो सिंपल रहेगा यहाँ पर। तो एस एन आपको दिया कितना, 400, लिख दो यहाँ पर, एन आपको निकालना है बटे में 2 ब्रैकेट में, ए के तरह आपको 5 दिया हुआ है, सिंपल है, प्लस में, और ई की तरह आपको 45 दे रखा, ठीक है, एन आपको दिया है 45, पुट कर दो, जो जो वैल्यू दी हुई है, दी हुई क्वेश्चन में, ठीक है, वो बस पुट करना है यहाँ पर और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब तो यहाँ पर 2 के बटे में है, तो 2 को कर दो मल्टीप्लाई में, 2 डिवीजन में, एक और किस तरह जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यानी 400 गुणे में 2 हो गया यहाँ पर, एन ब्रैकेट में प्लस में 45 कितना हो जाएगा आपका, 50 हो गया, तो 50 यहाँ पर लिख दो, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर कितना आ गया आपका, 800 आ गया, तो 800 लिख दो इसको, इसको टू में,
एन गुड़े में 50 यहाँ पर आपका हो गया। अब यहाँ पर इस तरीके से करते हो 50 एन इक्वल टू में 800। यहाँ पर समझ में क्या, अगर हमने इसको सीधा कर दिया, ठीक है, इसको इस तरफ लिख दिया, इसको इस तरफ लिख दिया, बताने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर। तो एन इक्वल टू में, अब तो देखो 50 आपका मल्टीप्लाई है इससे, तो 50 को पट्टी में भेज दो, 50 क्या आपका मल्टीप्लाई में है तो उसको पट्टी में भेज दो। तो 800 पट्टी में आपका कितना आ गया, 50 आ गया, 50 है भाई यहाँ पर 50, ठीक है। काट दो 0 0 गया, और यहाँ पर काट दो कितना आ गया आपका, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 5 6 30 16 85, ठीक है, 16 आपका यहाँ पर आ गया। तो एन का मान आपका निकल चुका है कितना, 16, और एन का मान निकलती है आपका डी का मान भी निकल जाएगा बहुत ईजी तरीके से। देखो कैसे, एन का मान पुट कर दो किसमें, इस जगह। तो ए एन आपको दिया कितना 45, और एन का मान हमें पता कितना है 16 है, यानी आपको ए 16 आपको देखा कितना 45 दिया हुआ है। अब ए 16 होता कितना भैया, ए 16 आपका ए प्लस में 14D होता है, सिंपल है, ए प्लस में 15D, ठीक है, 14D 15D होगा, ठीक है, इसको टू में 45। अब यहाँ पर आपको ए का मान पुट करना है, यहाँ से आपका डी का मान आ जाएगा, और ए का मान तो हमें दिया हुआ है पहले से क्वेश्चन में, 5 देगा, ठीक है, ये ना 5, तो 5 यहाँ पर रखोगे प्लस में 15D इसको टू में 45। यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर एक कम होता है, ठीक है, यहाँ पर 16 देखा है, तो यहाँ पर एक कम यानी एन माइनस वन यानी कि 15D यहाँ पर आएगा, याद रहे, ठीक है। अब 5 प्लस का सोच भेज दो तो माइनस का देगा, तो 15D इसको टू में 45 माइनस में 5 कितना बन गया यहाँ पर, 40 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 15D इसको टू में 40। अब डी से 15 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो 15 को भेज दो बटे में, तो डी इसको टू में 40/15, तो डिवाइड कर दो आंसर आपका आ जाएगा, छोटा हो तो छोटा कर दो नहीं तो इतना ही आपका आंसर आ गया। तो डी का मान कितना आ चुका आपका, 40/15, समझ आए बात, और छोटा भी हो जाएगा अभी और काट दो उसको, ठीक है, डी इसको टू में इसको 5 से भाग कर दो, तो 5 8 40 5 3 15, तो 8/3 आपका फाइनल आंसर आ चुका है। और एन का मान कितना देखा आपको, 16, एन का मान हमने फाइन कर दो 16, ठीक है, एन का मान आपका निकल चुका है और डी का मान भी आपका निकल चुका है, और इसी के साथ आपका यहाँ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पार्ट आपका कंप्लीट होता है, पार्ट नंबर 4। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।